बॉलीवुड टैब्लॉइड, योर ऑनलाइन बॉलीवुड न्यूज़पेपर। कोई कोई जरूरतमंद है वाकई म्यूजिशियन है, तो उन्होंने उनकी अपने बगैर पूछे समझे वो उन्होंने मदद भी की और किसी को बताया भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तलत जी, जैसे आपने अनुप जी को पूछा कि जो सिंगर्स हैं जो इस दौर के जिन्होंने गजल गाए हैं, बहुत से ऐसे गाने गाए, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होते गए, ये तो इसमें आपका क्या मानना है? आप अपना सवाल फिर से रिफ्रेज कीजिए। जो गजल सिंगर्स हैं जैसे कि तारीख में जाएंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है गजल गाने के लिए, सहगल साहब ने सबसे पहले गजल गाया। अगर मुझे अगर नहीं और कोई उससे पैसे पहले थे, बट जो नहीं बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, अख्तर की भाई फैजाबादी, अब बेगम अख्तर ने अपना मकाम है। फिर दलत साहब, दलत महमूद साहब फिल्मों में और प्राइवेटली भी। फिर उसके बाद होते होते फिर मेहदी हसन साहब ने अपना एक रंग बनाया और वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं जानता हूँ। उन्होंने एक क्लासिकल रंग को और गजल को एक अलग मुजस्मा दिया। जगजीत साहब की खासियत जो अनूप ने बताई ये है कि उन्होंने वही रंग को लेकर उन्होंने उसको ऐसा देखिए, कूजे को समंदर बनाना आसान होता है, समंदर को कूजे में लाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत, क्योंकि आप किसी चीज को मुश्किल चीज को सिंपलीफाई करके लोगों के सामने पेश करो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे क्या होता है कि आम फहम हो जाती, जो आदमी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अरे यार गजल गजल में मुझे तो उर्दू आती नहीं, मैं क्या समझूंगा, क्या मजा लूंगा। लेकिन जब आप किसी को सुनते हैं, अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान के जिस्म में एक दिल है, उस इमोशंस है, महसूस करता है, उसको भी इश्क होता है, गम है उसके, गम इश्क सबके साथ चलते हैं। तो जब वो बात दिल को छूती है, जब कोई सिंगर वो ऐसे गा रहा है, ऐसे पेश कर रहा है गजल जो सीधा जाकर ऑडियंस में हर एक को लगता है कि ये मेरे दिल को छू रही, मैं कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो खासियत होती है और वो उनमें थी। गजल डे की बात करें तो आपके गजल के पिटारे में से कौन सा गजल सुनने मिलेगा वो दिन? वो आप उसे सुनाइए फिर सुन लीजिए, फिर अभी तो फिलहाल अभी मीडिया को एंट्री है कि नहीं ये सवाल कर रहे हैं जी, मीडिया को एंट्री, ये तो मुझसे मत पूछिए, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन मीडिया को एंट्री अगर होगी, जब सुनिए, मीडिया को एंट्री जब होगी जब मीडिया बैठकर सुनेगी, बातें नहीं करेगी। हाँ मालूम है भैया, तुमको तो मैं जानता हूँ, खजाना सुनते हैं। Click on the subscribe button and stay tuned.